अच्छा सीधे जाओ। बहुत अच्छा पतोड़ू है। इन पतोड़ों की अब हम बनाएंगे डिश। गाइस पतोड़ों को बनाने की विधि, सबसे पहले हमने बेसन लिया, बेसन में कटा हुआ प्याज लहसुन और सोए डाले हैं और मेथी डाली है। अब इसका हम बैटर बनाएंगे अच्छे से। हम कैसे पकौड़े बनाते हैं तो गाइस आप देखिए कैसे हम अपने पतोड़ों को बनाते हैं। अब देखिए हम कैसे पकौड़े बनाते हैं। नाउ बैटर रेडी हो गया है, आप जैसे कि देख सकते हैं हमने कैसे इसमें कितना वाटर डाला है, कितनी कंसिस्टेंसी रखी है इसकी। नाउ हमारा बैटर जो है अभी फुली रेडी है। अब हम इसे पतोड़ों पर अप्लाई करेंगे। गाइस अब पतोड़े बनाने की प्रोसेस, हाउ यू मेक पतोड़े। ये जो आटा हमने बनाया है अब इसको हम ऐसे पतोड़ों पे लगाएंगे अच्छे से। इसके बाद एक और पत्ता लेंगे, उसको हम ऊपर वाली साइड इस तरह से रखेंगे। फिर उसको भी हम ऐसे ये लगाएंगे अपना आटा। इसके बाद हम इस पत्ते को भी इस तरह से थोड़ा सा काट के इस तरह नीचे रखेंगे। इस तरह से हम इस पे आटा लगाएंगे अपना। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इस पे भी हम आटा लगाएंगे, यहाँ से भी फोल्ड करेंगे, यहाँ पे भी आटा लगाएंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा कस के फोल्ड करेंगे। रोल 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 बोलो, फिर राउंड एंड राउंड करके यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। गाइस देखिए ये हमारा एक पतोड़ा रेडी हो गया बना के। अब वैसे ही हम इन पत्तों को बनाएंगे, इन पत्तों को बनाएंगे, इसके बाद की वीडियो भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस इस तरह से हमारे ये पतोड़ू बन गए हैं। अब हम इनको कुकर में सीटी लगवाएंगे। देखिए किस तरह से हम इनको कुकर में सीटी लगवाएंगे। सबसे पहले हमने गाइस कुकर रखा, फिर इसमें हमने कड़वा तेल डाला, फिर इसके बाद हम इनको एक एक करके डालेंगे। थोड़ा तेल को गर्म होने देंगे, ये हमने तेल डाला है। इसको इसमें ऐसे डाल रहे हैं। इस तरह से हमने ये अपने पत्तों डाल दिए हैं। तेल को अच्छे से स्प्रेड किया जा रहा है ताकि ये पतोड़ों नीचे से चिपके नहीं। अब गाइस हम इसको विशल एक विशल लगवाएंगे। अगर एक विशल में नहीं होता तो आप दो लगवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि पतोड़े कैसे रेडी हुए। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। कुकर खोलने जा रहे हैं। देखिए इस तरह के हैं हमारे पतोड़ू। जो देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। अब इनको हम काटेंगे और अपने खाने में शामिल करेंगे। देखिए गाइस फाइनली पतोड़ू रेडी हो गए हैं। अब देखते हैं कैसे बने हैं हमारे पतोड़ू। नाउ चलिए हम पतोड़ू खाते हैं।